क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज बोलो टेल मी एक्सरसाइज 12.1 गिवन में क्या दिया है fx की वैल्यू इतनी दी है ना और इसमें बोला है लिमिट x बिलोंग्स टू 1 पे और x बिलोंग्स टू 0 पे 0 और 1 पे है ना तो 0 पे देखो यहां पे x लेस देन 0 है तो एक ये फंक्शन लेंगे 0 के लिए और एक ये क्योंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है दो पे ही सॉल्व हो जाएगा तो चलो करते हैं ना लिमिट x बिलोंग्स टू 0 fx इज इक्वल टू इसको लिखेंगे mx स्क्वायर प्लस n है ना लिमिट x बिलोंग्स टू 0 देन क्या है mx स्क्वायर प्लस n बिकॉज x लेस देन 0 ठीक है पुट इट द वैल्यू ऑफ 0 m इनटू x प्लस n व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0 टेल मी 0 देन m इनटू 0 इज इक्वल व्हाट 0 प्लस n इज इक्वल n समझ में आ गया पूरा ठीक है यहाँ जरूर अभी चलेगा ना फिर से अगेन लिमिट x बिलोंग्स टू 0 प्लस fx ये लेस देन है तो इसलिए माइनस में लेफ्ट पे गया अब ये राइट पे जाएगा पॉजिटिव टर्म में लिमिट x बिलोंग्स टू 0 प्लस ये है ना nx प्लस m सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन आर इक्वल 1 Put it the value of x, then n into 0 plus m. Observe ho raha na? Become 0 plus m is equal to m. समझ में आ गया? तो अब ये दोनों सॉल्व हो गए. एक तो कंडीशन आ गई है. दूसरी कौन सी है? 1 पे है ना? 1 पे है. आंसर चेक कर लेना. पहले का 0 पे. Hence m is equal to n. For limit x belongs to 0 of fx to exist, we need m is equals to n. Awesome. What? Just wait. इतना आ गया ना समझ में? सही है. अब चलो करते हैं. फिर से अब 1 पे करना है ना? Limit x belongs to 1. 1. Minus पे हाँ? Minus. ये greater than or equal है तो ये plus पे आएगा. इसमें minus कर लेंगे ना? ठीक. fx अब ये दोनों रहेंगे 1 पे क्योंकि ये छोटा है ना? छोटा है हाँ. ये दोनों रहेंगे. लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 एन एक्स प्लस एम पुट इट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स एन एक्स तो एन इन टू 1 प्लस एम इज इज इक्वल एन प्लस एम इज इज इतना तो हो गया ना अगेन लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 अब इसमें यहाँ पे सच डेट मेंशन कर देना x greater than or equal 0 and less than or equal 1 अब इस पे क्या है greater x greater than or equal 1 greater than ये हो गया कितना है n x cube plus m put in the value of x 1 n बताओ रोहित what is the cube of 1 1 का cube क्या होगा 1 बोल बोलो रोहित 1 plus m n तो plus m यहाँ पे लिख देता हूँ n into 1 is equal n plus m दोनों इक्वल हो गया ना यस आंसर चेक करो सही है सही है हो गया फिनिश